भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बिल लाई है ये जमहूरियत का सबसे बड़ा काला दिन साबित होगा। आदाब, पलपल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया, राज्यसभा में ये फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर से सांसद फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे जो बिल तानाशाही तरीके से हुकूमत लाने पर उतारू हैं, वो इसे किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि सर, जब पार्लियामेंट में इसे पास किया जा रहा था, पार्लियामेंट में मौजूद थे, जो रवैया था, क्योंकि कल देखा गया जो बिल का विरोध कर रहे थे उस पर बाहें तनते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद नजर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बिल की मजम्मत करता हूं और जैसा कि हमारी पार्टी का स्टैंड था, हमारी बहन बहन जी का आदेश था, उसी को सामने रखते हुए हमारे यहाँ एक व्हिप जारी हुआ और व्हिप के जरिए ये कहा गया कि इस बिल का, सिटीजनशिप बिल का मुखालफत कर, इसीलिए हमने इसकी मुखालफत की। क्योंकि ये जाहिर करता है बिल कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के आवाम को, खास तौर से जो चाहते हैं कि उन्माद फैले, आपस में आवाम का डिवीजन हो, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करना चाहती है, उनमें मैसेज देना चाहती है कि इस बिल के जरिए पोलराइजेशन हो जाए, धर्म के नाम पर आवाम को बांट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सही यही मकसद था इस बिल के जरिए। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने अपना ताकत का मुजाहरा किया। ये बात सही है, पार्लियामेंट के अंदर कभी पार्टी की मेजोरिटी होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड कभी पार्लियामेंट में नहीं देखा गया कि बिल को पास कराने के लिए धर्म के नाम पर धर्म का इस्तेमाल खुलेआम किया गया और कोशिश की गई कि एक खास कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी है, उसमें खौफ का मैसेज दिया जाए। लेकिन हमारा मानना है ये कम्युनिटी किसी से डरने वाली नहीं है, ना पहले डरी है ना आगे डरेगी, और हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान का आवाम सेकुलर माइंड का है, सेकुलर जहनियत रखता है, हमेशा कमनल लोगों को कंडम किया है। और इस बिल के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि मेरा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा, आने वाले इलेक्शन में उनको बहुमत मिलेगा, लेकिन ये लोग भूल गए कि इख्तदार अगर मिलता है तो एक दिन उसको जाना भी पड़ता है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ भी साबित होगी और आप देखेंगे कि अब रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले असेंबलियों के इलेक्शन में इसका नतीजा भुगतेगी, चूँकि हिंदुस्तान का आवाम कम्युनल बेसिस पे ना खुद रहना चाहता है ना ही वोट देना चाहता है। कभी कभी बहकाए में ज़रूर आ जाता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि हम कम्युनल ट्रैप में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान का आवाम आने वाले दिनों में ये साबित करके रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बिल लाई है ये जमहूरियत का सबसे बड़ा काला दिन साबित होगा।
सर इसी के साथ अगर देखा जाए, पहले अमित शाह ने कई बार अपने भाषणों में कहा कि सिखों को, जैनियों को, मुनियों को, सबको रहने की इजाजत रहेगी पर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और कल जब लोगों से बात की गई तो लोगों में जबरदस्त एहतजाज है इस बिल को लेकर के। साफ तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो कल अमित शाह बोलते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमानों के साथ हैं। जो दोहरा रवैया कथनी और करनी में फर्क देखने को मिला है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी हमेशा करनी में और कथनी में फर्क रहता है। कोई भी मामला ले लीजिए आप, कोई भी इशू ले लीजिए, जिस चीज की ये लोग मुखालफत करते थे इख्तदार में आने से पहले, GST की करते थे और वो जो एक मार्केटिंग वगैरह का जो FDI उसकी मुखालफत करते थे, और आपने देखा उसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसी के लागू किया। तो इसलिए इनकी करनी कथनी में हमेशा फर्क रहता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, ये भी इनके डबल स्टैंडर्ड की बात है। ये मैसेज देना चाहता है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को अदर्स कम्युनिटी से अलग रखना चाहते हैं, यही इनका एक मकसद है। ये सिर्फ मैसेज देना चाहता है, जबकि ये भी जानते और हम भी जानते, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब लोग हमेशा से, जब से हिंदुस्तान आबाद है, ये लोग एक साथ रहते चले आए, एक दुख दर्द में शामिल रहे। एक गांव को कैसे बांट देंगे, एक कॉलोनी में जिसमें हिंदू मुस्लिम रहते कैसे बांट देंगे, एक शहर को कैसे बांट देंगे? बस ये लोग वोट लेने के लिए ये सब हथकंडे अपनाते हैं। ये ना तो मुसलमानों को अलग कर पाएंगे, ना ही मुसलमान अलग हो, क्योंकि मुसलमान के अंदर भी वही खून बहता है जो बाकी दूसरी कम्युनिटी के लोगों में खून बहता है। तो ये अलग होने की कोई बात नहीं है। रही बात ये कि भाई सिख को जगह देंगे, जैनी को देंगे, बुद्धिस्ट को देंगे और दूसरे लोगों को देंगे, तो उसमें कोई एतराज नहीं देने में, दें। लेकिन यह है कि इंसानियत भी एक चीज होती है। इंसानियत यह है कि अगर आपके पास कोई अपना सवाल लेकर आता है, आपको कहता है कि मैं प्यासा हूँ, यह मेरी परेशानी है, यह बीमार हूँ, आप उनका मजहब पूछें, इंसानियत ये कहते हैं कि आप उनकी मदद करें। बिल्कुल यही बात यहाँ पर लागू होती है। ये इंसानियत का फर्ज है कि जो लोग किसी परेशानी में हैं, वो किसी भी मजहब, उसकी परेशानी दूर करना हम लोगों का फर्ज है और नेशन की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है। और हमारी यहाँ तो जमहूरियत है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में, तो जाहिर बात है यहाँ तो इस तरह का अगर हम पैगाम देंगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर जो बाहर है, हिंदुस्तान में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जो तस्वीर बाहर है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की भलाई का, और ना ही किसी हिंदू सिख की भलाई का काम ये लोग कर रहे हैं। सर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ये लगातार बार बार कहता है कि धर्म जाति के नाम पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, पर सरकार अब धर्म जाति देख करके सर्टिफिकेट देगी। और इसी से मेरा दूसरा सवाल है कि बीजेपी के ही MP रवि किशन कहते हैं कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं तो ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। देखिए रविशंकर जी क्या कहते हैं इससे तो किसी को लेना देना नहीं है, वो अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जमहूरियत है, और एक बड़े मज़े की बात है, जब रिजर्वेशन के लिए मुसलमान डिमांड करता है कि भाई आप हमें रिजर्वेशन दें, तो ये मना करते हैं इस बात के लिए कि मज़हब के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता,
जाति के नाम पे दिया जाएगा। तो अब क्या वजह है, जब सिटीजनशिप देने की बात आ रही तो मजहब को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? अब ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है ये आप जान लीजिए। तो हमारा मानना यह है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो आने वाले हिंदुस्तान के दिन महंगाई के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, आप जानते हैं कि इकोनॉमी आज 8% से घटकर 3.5% पर आ गई, बेरोजगारी अब सबसे ज्यादा है जब से हिंदुस्तान आजाद है, और जो प्रोडक्शन जो था हमारा लोकल प्रोडक्शन वो आधे से कम हो गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट घट गया है, तो ये वो सारी चीजें परेशान है। आज किसान वो अपने आप मजबूर हो गया कि अपनी आत्मदाह करें, खुदकशी करें। दुकानदार मजबूर हो गया आज कि उसने अपनी दुकानें बंद कर दी, उसको जीएसटी के नाम पर जो उसका पैसा जमा होता तो वो वापस नहीं किया जाता। आज सरकारी लोगों को नौकरियों की जो तनख्वाह है वो पूरी नहीं दी जा रही है। तो इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे कितना नुकसान हो रहा है हमारे इंडिया का। उन चीज़ों को ढांपने के लिए, उनको कवर करने के लिए कम्युनल जो आपके हालात हैं, एक माहौल बनाया जा रहा कम्युनलिज्म का, उसके जरिए उसको ढांपने की बात कर रहे हैं, उसको कवर करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि हिंदुस्तान के आवाम की भलाई के लिए ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग, जो मिडिल क्लास लोग और जो कारोबारी लोग परेशान हैं, जो किसान लोग परेशान हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होने की बात करने लगे हैं। उस चीज को नॉर्मल करने के लिए ये बिल लाया गया है। सर, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अगर पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति इस पर अपने दस्तखत कर देते हैं, तो पार्टी किस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएगी? देखिए, जो कानून हमको इजाजत देगा एहतजाज करने की, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। गैर कानूनी कोई काम नहीं करेंगे, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। अलबत्ता भरपूर तरीके से इस बिल की मुखालफत की जाएगी, हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, और जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टीज हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो और कम्युनिस्ट पार्टीज हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, और दूसरे अभी अभी जो शायद कुछ लोग वो भी शामिल हो सकते हैं बिल को लेकर, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के एलाइन हैं, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे चूंकि गलत कदम है। तो इसलिए आप देखेंगे इसके रिजल्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं रहेंगे, हमारा अपना मानना है। तो फजलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बिल को लेकर के अपना एहतजाज दर्ज करा दिया है। अगर तानाशाही तरीके से इस बिल को फिर से पास किया जाता है तो सभी पार्टियां एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो जाएगी।